हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। माइसेल प्रिसी के चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज मैं बनाऊंगी बैगन का एक बहुत ही फेमस रेसिपी। ये हमारा बंगाली का बैगन भाजा बोलते हैं, बैगन माखा भी बोलते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से खाते हैं, बहुत ही खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसको चावल के साथ ही खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैगन का मैं नमक और हल्दी मिला के छोड़ दिया था, अभी इसको तेल में फ्राई करेंगे। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल भी गर्म हो गया, अभी बैगन है उसको फ्राई करेंगे। और हम लोग जब बैगन को फ्राई करते हैं तो ऐसे ही ढक के फ्राई करते हैं, नहीं तो अंदर से पकता नहीं है और खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ऐसे फ्राई करेंगे 5-6 मिनट करके इसको। और मैं हीटर में फ्राई कर रही हूँ बैगन को। तो बैगन को फ्राई कर लिया है, अभी इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो अभी आ गई हूँ बैगन का चोखा बनाने का प्रोसेस में। तो देखिए प्याज को मैं छोटा छोटा करके काट रही हूँ, और इधर मैं 2 हरी मिर्च लिया हूँ और थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया हूँ। तो मैं प्याज और हरी मिर्च काट लिया हूँ, अभी धनिया को काटेंगे। देखिए बैगन फ्राई, और इधर प्याज हरी मिर्च और धनिया पत्ता सब एक साथ मिलाएंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे। और मैं आज हाथ से मैश करूँगी, क्योंकि हाथ से इसको मैश करने से इसका खाने का टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। और इसको चावल के साथ खाने में और भी अच्छा लगता है। आप चाहे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पर हम लोग इसको चावल के साथ खाते हैं। इसको अच्छे से हाथ से मिला लेते हैं। अभी जो देखिए 1 चम्मच सरसों का तेल है, सरसों का तेल इसमें मिलाएंगे, फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डाले हैं, फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। हमारा चोखा बन गया, अभी देखिए इसको कटोरी में निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप लोग भी इस रेसिपी को घर में बनाना और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा हुआ। आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए आज का ब्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।